जयनी, आज से हम आरएमसी की रिवीजन कर रहे हैं। आज स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहे हैं, आरएमसी के लिए स्टैटिक सीके की रिवीजन कर रहे हैं। हर रोज आरएमसी का एक नया टॉपिक रहेगा और कल टेस्ट रहेगा। याद रखिएगा, अब 8 जून को पेपर है और आज से रिवीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। आपकी टेस्टिंग तो चल रही है, अब जीएसटी टेस्टिंग कल से मंडे से रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट में कराऊंगी, डिटेल में नहीं कराऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं और उन्हें मंडे को टेस्ट करना है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? क्लियर? आप 7 कॉन्टिनेंट। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। आता आपको? ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड। फोर्थ लार्जेस्ट? साउथ अमेरिका। एंड फिफ्थ? एंटार्क्टिका। वेरी गुड। एंड सिक्स? यूरोप। सेवन? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। ठीक है, अब बोलते हैं कि भारत, हम एशिया में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। हम एशिया के ऑलमोस्ट सदर पार्ट ऑफ एशिया में रहते हैं, मीन्स हम एशिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर पार्ट ऑफ एशिया में रहते हैं। कौन से रहते हैं? एशिया के सदर्न पार्ट, इंडिया लाइन का सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। बट भारत कौन से हेमिस्फीयर में रहता है? यहाँ भी देखिए, हाँ, हम कौन से हेमिस्फीयर में रहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत एशिया के कौन से पार्ट में रहता है, दैट इज द सदर्न पार्ट। ठीक है, आप पहले ध्यान से सुन लो। अच्छी, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में हम रहते हैं। उसके बाद हम इक्वेटर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हम सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, इंडिया लाइन में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू इक्वल पार्ट्स, मींस नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कौन, इंडिया कौन से इक्वेटर के कहां लाइक कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डन हो गया। जब कोई भी देश सन के बिल्कुल सामने आएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे समर होती है। क्या होती है? समर। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या है? विंटर। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम क्या है? जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलती हूँ उनको ध्यान। जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है विंटर में, कौन सा देश वहां पे, हाँ वहां पे कौन सा देश है जो समर में क्रिसमस मनाता है? मीन्स इसका मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर में देश आते हैं वो समर में क्या मनाते हैं? क्रिसमस। क्या मनाते हैं? क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस मनाते हैं। मैं ये पागल हूँ, सुबह से लेकर के क्रिसमस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्रिसमस। जन हो गया, समझ आया? ठीक है, शायद आपको तो समझ आ गया होगा, अच्छी तरह समझाया मैंने आपको। ठीक है, इसका मतलब जो देश इक्वेटर के बिल्कुल पास में है वहां पे क्या है? समर। वहां पे हमेशा क्या रहते हैं? समर। वहां पे क्या रहता है? समर। और वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल। कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या रहते हैं? हमेशा एवर ग्रीन। और वहां पे 3 or 4 o'clock के पास क्या होता है? रेन फॉल। और वहां की लीव्स नेवर शेड। कभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ट्री गिरती है? अब आपको जो लाइन्स में बोली इनको ध्यान से समझना और सुनना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स में वापस आते हैं। भारत के, उस दिन मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है, भारत के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ में कौन सी कंट्री लाई करती है, ईस्ट में कौन सी करती है, और साउथ में कौन सी करती है, और साउथ वेस्ट में कौन सी करती है। ठीक है, बोलो भाई, भारत के वेस्ट में कौन सी कंट्री लाइज करती है?
पाकिस्तान पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, पाकिस्तान एंड जिस तरह से स्टैटिस्टिक आ रही है वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे भारत के जो नेबरिंग कंट्री है जो वेस्ट में लाई करती है, बताइए उनमें से कौन से देश में अरेबियन सी लाई करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अरेबियन सी में लाई करता है, कहाँ पे? और अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक कंट्री। अफगानिस्तान क्या है? लैंड लॉक कंट्री। समझ आ गया? लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? सारी तरफ से लैंड होती है, ओशियन। समझ आ गया? आप भारत के साउथ वेस्ट जो देश है वहां पे कौन सा ओशन लाई करता है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन बोल सकते हैं, अरेबियन सी भी। और ये कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ये लक्ष्य यहाँ पे अरेबियन सी ही आएगा। क्या आएगा? अरेबियन सी नहीं, लक्ष्य इंडियन ओशन चेक कर लेती हूँ मैं, मुझे एक डाउट पड़ गया। मैं अरेबियन सी है भाई। इंडियन ओशन है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग में तो चेक कर लेते हैं। क्या रखेगा? और इंडियन ओशन। समझ आ गया? यस मैम। और भारत के जो ईस्ट में देश है कौन कौन सा है? नहीं भाई, बांग्लादेश। अब ये इनमें से कौन सा हमारी नेबरिंग कंट्री है? बांग्लादेश शेयर करते हैं, बांग्लादेश सी वाटर शेयर करते हैं। ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आ गया। अब ट्विस्ट हो गया ना क्वेश्चन में, पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते, अब हो सकते इस तरह के भी आपको क्वेश्चन देंगे। स्टैटिक जी के थोड़ा उन्होंने इम्प्रूव किया और एनहेंस किया ताकि आपको नॉर्थ में हम सबको पता है हमारा प्यारा चाइना, हमारा प्यारा नेपाल एंड हमारा प्यारा थंडरबोल्ट सिटी ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। कौन सा है? भूटान। डन। चलिए ये सब हो गए। हर्ष साउथ में श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल तीनों ही मिलते हैं। हर्ष इधर देखो, मत उतारो, वीडियो में आ जाएगा, आराम से उतारना। कल संडे है नहीं, पहले समझो इधर आप न्यू हो। आपका भी भारत के वेस्ट में क्या बोल रहे हैं? भारत के वेस्ट में कौन से देश लाए करते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये वेस्ट होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ऐसे ही है ना देश हमारे, ऐसे ही है, ठीक है। भारत के वेस्ट नॉर्थ में ये देश है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है चाइना, नॉर्थ में है। ईस्ट में भारत के म्यांमार और बांग्लादेश लाई करते हैं, साउथ में श्रीलंका रहता है और यहाँ पे कई मालदीव है। इसका मतलब ये क्या है? साउथ वेस्ट। ये क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन लाई कर रहा है? मालदीव। मालदीव की क्या पे? मले, ठीक है। डन। जिसको नहीं याद होती मेल याद कर लो, मेल मालदीव मेल, ठीक है। बड़े सारे बच्चे ट्रिक से करते हैं, मले है, ठीक है। हो गया, ये डन हो गया। आज समझ आया? वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका, साउथ वेस्ट में इंडोनेशिया और मालदीव। डन। चलो हो गया यार। अच्छा हर्ष, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। शिवम ने अभी सारे आंसर दिए हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट, ठीक है। फर्स्ट एशिया लार्जेस्ट है, मैं सीरीज वाइज, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका,
दो ठीक है सिक्स यूरो फाइव सेवन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की प्लेयर के साथ जाता था तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया ठीक है ऑस्ट्रेलेशिया प्लेयर ठीक है इसी तरह यूरोपिया और इंडिया यूरेशिया एशिया यूरोप यूरेशिया इस तरह प्लेयर्स के नाम है याद रखिएगा और देखिए मैंने बहुत मुश्किल चैप्टर सीखा हाँ ये बड़ा इजी चैप्टर है बहुत इजी है ये बहुत अच्छा चैप्टर है ठीक है इसको कुछ नहीं पेंगिया पेंगुइन और अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिख लो हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी अल्फ्रेड नोबेल जो था डायनामाइट हाँ डायनामाइट की इन्वेंशन डायनामाइट और नोबेल प्राइज उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल ठीक है नोबेल इन्होंने दी ठीक है अल्फ्रेड बड़े सारे नाम है अल्फ्रेड ठीक है अब सारे राम तो भगवान राम नहीं होंगे ना ठीक है हाँ यहाँ देखो नेबरिंग कंट्री कंप्राइज पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान ये सारे इंडिया इज द लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री इंडिया जो है ये जितने भी देश है ये सारे देश मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं क्या बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये पहले सारे क्या थे भारत के ही हिस्से थे ठीक है इसलिए इनको बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ आ गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी क्वेश्चन आएगा डन उसके बाद बोलते हैं होल सदर्न एशिया इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसकी बात कर रहे हैं सदर्न एशिया पूरा सदर्न एशिया को क्या कहा जाता है इंडियन सब क्यों बिकॉज इट डोमिनेट द साउथ एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड इज डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड इंडिया द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ठीक है फिर कैनेडा थर्ड इज चाइना फिर यूएसए फिर ब्राजील भी है सिक्स नंबर पे ब्राजील है ये हो गया डन यस मैम सबको समझ आया यस मैम चलो ये मैंने दिखे हैं सब यस मैम सबसे बड़ा एशिया दिख रहा है यस मैम अब आते हैं ओशन बॉडी बॉडीज के ऊपर ये फाइव ओशन बॉडी अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करवाऊंगी अभी लिख जितना लिख सकते हो लिखो जितना नहीं लिखा जाता वो आप घर पे बैठ के खुदा देखो एक सदर्न ओशिया सदर्न ओशन किसको कहा गया है याद रखिएगा सदर्न ओशियन जो है अंटार्कटिका को आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक चेक कर लेती हूँ फोर्थ ओशियन जो है सदर्न ओशियन क्योंकि इसका रिसेंटली इसको चेंज किया गया है अंटार्कटिक ठीक है क्या है मुझे सिर्फ चेक करना था अंटार्कटिका ठीक है अंटार्कटिक जो है वो क्या है सदर्न ओशन है अगर पूछेंगे सदर्न ओशन कौन से ओशन को कहा गया है ये 2021 को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सदर्न ओशन डिक्लेयर किया था अंटार्कटिका को ठीक है फोर्थ ओशन भी है क्या है लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन को क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एरप्शन कहाँ होती है पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है मरीना ट्रायंगल कौन सा है लिखो तुम जिसको नहीं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो तो लिखा करो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है मरीना ट्रायंगल ट्रेंच ट्रेंच इज गड्ढे ठीक है मरीना ट्रेंच स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन ठीक है एस शेप ओशन अटलांटिक ओशन शॉर्टेस्ट सी टावर ठीक है अब यहाँ पे एक पॉइंट और रहती है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया एशिया का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एशिया का डीपेस्ट पॉइंट डेड सी कहाँ पे है
इजराइल में, कहाँ पे है? इजराइल, इजराइल और जॉर्डन के बीच है। किसके बीच? जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बीच क्या है? डेड सी। और डेड सी क्या है? सॉल्ट। क्योंकि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और इसलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ठीक है, डेड सी। अगर पूछेंगे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, डेडी। अगर पूछेंगे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड मरीना ट्रेंच लाया विच ओशन? पैसिफिक ओशन। एंड डेड सी लाया बिटवीन विच टू कंट्रीज? इजराइल एंड जॉर्डन। डन। इसका मतलब डेड सी कहाँ पे है और हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड वो भी एशिया में है, दैट इज ए माउंट एवरेस्ट। याद किया? लार्जेस्ट ओशन? स्मॉलेस्ट ओशन? एस शेप ओशन? ये याद करने। साल्टेस्ट ओशन? डीपेस्ट ओशन? वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वॉटर? हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस अंटार्कटिक ओशन को साउथ ओशन नाम दिया। क्या दिया गया? पूछ सकते, पूछेंगे वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वॉटर, तो सदर्न ओशन। क्या लिखोगे? सदर्न ओशन। इट इज नॉट अंटार्कटिका, इट इज सदर्न ओशन। कोल्डेस्ट ओशन? वार्मेस्ट ओशन? विच ओशन नेम इज द नेम ऑफ कंट्री? इंडियन ओशन। थर्ड लार्जेस्ट ओशन? इंडियन ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन? फोर्थ लार्जेस्ट ओशन? अंटार्कटिका। ठीक है, सानी चैप्टर वाइज है, समझ आ रहा है सबको? आज जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ तीन ये करेंगे, ठीक है, बाकी जिनका एग्जाम है वो सारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल संडे है, कल आपका बीएसटी तो नहीं होगा, समय रखा बोला छुट्टी देनी है मंडे और थर्सडे को। नहीं भाई, इस साल भी कल आपको छुट्टी अनाउंस पता नहीं की है कि अभी नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं है, मैं शाम पर, मैं शाम को डिसाइड करूंगी होगी कि नहीं। ठीक है, देखो आप, देखो लेक एशिया में सबसे क्या करेंगे, ले एशिया की सबसे बड़ी लेक बाइकल, ले बाईसाइकल, ले बाइकल, एशिया की सबसे बड़ी लेक बाईसाइकल, बाइकल, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर, साइकल बहुत सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका का, हो गया। ट्रिक साउथ टिटिकाका, टिटिकाका बड़ी मस्ती आती है। यूरोप की लदौगा, यूरोप की लदौगा। ऑस्ट्रेलिया की आई, आई आई जाते ऑस्ट्रेलिया की आई, हाँ ईयर नहीं आई, आर से ऑस्ट्रेलिया की आई। अंटार्कटिका की वोस्टोक, अंटार्कटिका की जो लेक है उसका नाम वोस्टोक है। अंटार्कटिका की माउंटेन पीक का नाम, इसका ये क्वेश्चन मैंने पहले दिन एनडीए में करवाया, उसी दिन आया क्वेश्चन, विंसन एनडीए में क्वेश्चन था, लार्जेस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, नेम द पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। वोस्टोक ऑस्ट्रेलिया की आई कहाँ पे दिख रही है? अंटार्कटिका के वोस्टोक में। ऑस्ट्रेलिया की आई कहाँ दिख रही है? एशिया में बाइकल है, सुपीरियर जो है नॉर्थ अमेरिका में है, टिटिकाका साउथ अमेरिका में है, लदौगा जो है वो यूरोप से आई दिखाता हुआ वोस्टोक जाता है, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सबको समझ? कल मैंने ये टेस्ट भाई कि कल टेस्ट रहेगा, कल सब बच्चों का, हर्ष बाकी सब बच्चों का जो है मुंबई, कल नहीं संडे नहीं मंडे, एशिया का देखो, जेंजी, हाँ एशिया की सबसे बड़ी रिवर जेंजी, वेयर इट इज? चाइना। कहाँ पे है? क्या डोंट टेक टेंशन। अफ्रीका का नाइल, अमेजोन नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की कभी मिसिसिपी हो जाती है, कभी मैसूरी, कभी इसका वॉल्यूम कम होता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, मैसूरी भी आ सकता है और मिसिसिपी भी आता है। मुर्रे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वोल्गा एंड ऑनेक्सी इज द रिवर अंटार्कटिका, लेक अंटार्कटिका में सिर्फ आइस है, हाँ तो लेक भी है, हम जब
लिवर्स कैसे हैं और लेग्स कैसे हैं? चेक करें कैसे हैं। आसानी तरह बताएगी लीवर कैसे और लेग्स कैसे हैं। देखिए जी मेरी पानी बना रहे थे आप ये बना जल्दी कैसे पानी दे दो दीदी पानी हां कड़ी पत्ते वाला वो दे दो लास्ट जो मीठे लग गया नहीं पानी दे ठीक है। यहाँ देखो एशिया यहाँ देखो अंटार्कटिका की वस्तु क्या है ले अंटार्कटिका की रिवर ओनेक्स एंड अंटार्कटिका का माउंटेन विंसेंट ठीक है डन। माउंट देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट एवरेस्ट अफ्रीका माउंट किलिमंजारो एंड नॉर्थ अमेरिका के मोर डेनियल एंड साउथ अमेरिका का एकॉनकागुआ माउंट एल्ब्रेस यूरोप का कास्जुकिको ये है। ऑस्ट्रेलिया का अंटार्कटिका का माउंट विक्टर इंडिया का ठीक है डन। ये आ गया समझ ये आपको मैंने एक हर्ष उठ मिटा चल जल्दी कर जल्दी मुझे दे बैग। हम देखो लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया अरेबियन डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इन अफ्रीका एंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका व्हाइट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सारी है दीदी चले व्हाइट डेजर्ट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका अंटार्कटिका इज कॉल्ड व्हाइट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ हाँ भाई हाँ नहीं हाँ ठीक है बड़ा कुछ नहीं लगता। आप देखो नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट बेसिन डेजर्ट पैटिगोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका में है और जिनको मैं लास्ट ईयर साइंस को मैं ये शीट दी हुई है ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन यूरोप ओलेस्काई सैंड यूक्रेन का है। लार्ज ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन इन द वर्ल्ड सहारा एंड द नेम ऑफ इंडियन डेजर्ट अरेबियन कौन सा नहीं अरेबियन थार गोबी मंगोलिया में है और अरेबियन सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में। चलिए आज की जो शीट है उस पर चले नहीं चले हर्ष चलिए आप मिक्स क्वेश्चन लेंगे करते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। मैं अभी बहुत बार करा चुकी हूँ आंसर भी याद फॉर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है सबने क्योंकि पहली डिफेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी कब थी जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी बट ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना भी ये कोई अदर एक्स्ट्रा कैबिनेट मिनिस्टर है ये पहली फाइनेंस एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर है। क्या है डिफेंस एंड फाइनेंस लिखो अपनी कॉपी में दोनों लिखो। अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का टेन्योर कितना है सानी वेरी गुड टेन्योर है और इलेक्शन कब होते हैं राज्यसभा में राज्यसभा का कौन टेन्योर भाई राज्यसभा का पांच 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 सिक्स ईयर राज्यसभा का टेन्योर इलेक्शन हर दो साल के बाद और लोकसभा का टेन्योर पांच साल कहा लिखी हूँ और इलेक्शन पांच साल सही जा रहे हो भाई याद रखिए क्वेश्चन ठीक है। न्यू पार्लियामेंट किसने बनाया हु बिल्ड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बीमल आपके लिए आगे क्वेश्चन ताकि आप याद करके आओ। मैंने पहला नाम उनका लिख दिया दूसरा आपके लिए छोड़ा हु बिल्ड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग किसने बनाई है
राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। हाँ, कौन रूल डिसॉल्व है? लोकसभा प्रेसिडेंट। ठीक है, हर्ष भारत सेक्रेटरी जनरल हु रीअपॉइंटेड हुए हैं, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस का सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? एंटोनियो गुटेरेस किसके सेक्रेटरी जनरल है? यूनाइटेड नेशन। हाँ, यूनाइटेड नेशन। और राज्यसभा का टेन्योर मींस काम करने के कितना, राज्यसभा में आप कितने साल तक काम कर सकते हो और लोकसभा में 5। लोकसभा में 5। प्राइम मिनिस्टर का मैटर, लोकसभा राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर किसका? कैबिनेट काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करता है जब भी मानसून सेशन होते हैं, विंटर सेशन होते हैं, प्रेजिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेस। ठीक है, अब देखो पहली फ्लाई रफाल फाइटर जिसने रफाल उड़ाने वाली पहली भारतीय फीमेल पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, पहली इंडियन आर्मी कॉम्बैट एविएटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभिलाषा भारत मास्टर। अब ये करो, लिखो भाई 36-37 नेशनल गेम हेडलाइन लिख दी कॉपी में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कल मुझे आप सारा लिख के दोगे। 36 कौन है? गुजरात में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 37 गोवा में और 38 उत्तराखंड में होंगी। कहाँ पे होंगी? सर यूके में, उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो इसको, जो मैं नोटबुक में लिखवा रही हूँ उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। नेशनल गेम 36 गुजरात में हुई थी, 37 गोवा में हुई थी और 38 इस साल होंगे 2024 में, हाँ उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में नेशनल गेम। अब आपको इसका मैस्कट 36 का सिवा डैश आर्टिकल है, बताओ 37 का क्या मैंने करवाया? इसको बताया मियां को, बोल मियां सिंदर। गोवा मैस्कट बोल बोल भाई, करवाया मैं बोलता बोलो करके आना तू बोल शब्द। चलिए गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, वेयर इज गिर नेशनल पार्क? वेयर हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? लद्दाख। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? क्या? साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन। ठीक है, अंडमानी को बाद में है। वो नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश कितने? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बोलो, मैं एक मिनट में मुंह खोलूंगी ना, सभी आ गए। माधव सतपुरा पन्ना फॉसिल बांधवगढ़ ठीक है। क्या बोल रही है सानवी? देखो यार, माधव कान्हा दोनों दोस्त नहीं, 5 दोस्त है। माधव कान्हा पन्ना सत पन्ना और पन्ना क्या पहले आम लिखा गया बांधवगढ़ एक रह गया माधव संजय संजय हाँ संजय कौन है? संजय पांडव। ये 5 दोस्त ट्रिक देखो, अंशा मेरे को ट्रिक एमपी के रैंक पर था। माधव काना सर पन्ना और संजय ये 5 दोस्त
पांच बांधव गढ़ के फॉसिल फ्यूल बांधवगढ़ की में फॉसिल फ्यूल ढूंढने के हो गया यार। लिखो लिखो फॉसिल भाई ट्रिक याद करवाने के लिए करवाना फॉसिल ही है करो सिंदर मुंडा माधव काना सर पन्ना संजय पर बांधवगढ़ के फॉसिल फ्यूल ढूंढे गए। बांधवगढ़ इको नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश के डीजल द नेशनल पार्क का एमपी हो गया। आप भूलेंगे पता था नहीं बेटा पढ़ा तो जाता नहीं है वहां से। ठीक है नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रैमी अवार्ड है इसको फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड रवि शंकर कौन है रवि शंकर स्टार वादक है कौन है स्टार सितार बजाते हैं इनकी बेटी अनुष्का शंकर लिखो अनुष्का अनुष्का शंकर सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीती है ग्रैमी बेटी है ना हाँ ग्रैमी बेटी है दादी नहीं है चलो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के। आप चलो इसके साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं खत्म हो जाएगा इसका टॉपिक। चलिए फिल्म का देखो फिल्म में सबसे हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंडिया की स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूं इंडिया में आईपीएल खेल रत्न अवार्ड खेल रत्न मैं भी खेल रत्न अवार्ड खेल रत्न ठीक है इसको क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद हर्ष लिखा कॉपी में मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं हॉकी विजार्ड हॉकी कितने मेडल हॉकी में इंडिया ने जीते हैं 108 कितने तो इंडिया ने मैम क्रिकेट के बोलेंगे यहाँ टोटल एक सौ आठ नहीं है काउंटिंग भी करेंगे ना 50 ही नहीं है नहीं एक सौ देखो 12 मेडल जीते हैं हॉकी में काउंटिंग करते हैं ठीक है 8 गोल्ड में 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज ये हॉकी ठीक है इस साल 7 मेडल जीते भारत में कितने हो गए 19 करना मलेश्वरी ने मिथिल करना मलेश्वरी ने फर्स्ट इंडियन ओलंपिक्स टू विन फर्स्ट फीमेल करना केडी यादव ये भी फर्स्ट ब्रॉन्ज ठीक है कितने हो गए मैम 20 21 लियांडर पेस 22 ठीक है राज्यवर्धन सिंह राठौर 24 सिंह राठौर गोल अभिनव बिंद्रा 25 कितने हो गए 25 अभिनव बिंद्रा के साथ तीनों लोगों ने जीता था कितने हो गए 28 फिर आगे चार सानिया नेहवाल 32 टोटल कीजिए ठीक है फिर कौन आया मैरी कॉम फिर दो और इसने जीते चार हो गए इसलिए 36 फिर आगे दो आए 38 बस टोटल 38 39 आप वीडियो ही डाल रहे बेटा हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैव वन इन ओलंपिक्स टोटल मेडल
मैं फिर 180 भी दिख रही है भाई। 35 है एशिया 35 ठीक है हमने बस मैंने 108 पढ़ा था सर एशियन गेम्स में होगा। हां भाई नहीं चलो वो 108 की ठीक आ रहा है तू गलत नहीं बोल रहा तू किस एशियन गेम्स में भारत ने 2023 में कितने मेडल जीते 107 कितने 107 आ गया समझ। फर्स्ट के डी यादव पहले थे जो मेडल आए थे फिर कर्णा मलेश्वरी की फिर लियांडर के लॉन टेनिस में लाए फिर राज्यवर्धन सिंह शूटिंग में लाए फिर अभिनव बिंद्रा शूटिंग में लाए गोल्ड अब आगे देखो मैं निकालूंगी बात कल से मुझे वैसे भी तेरे चप्पा ठीक है। नेक्स्ट देखो सीबीएम कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है गैलेंट्री फिर गैलेंट्री कौन सा है गैलेंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करें हैं करते हैं पर पीवीसी परमवीर चक्र परम महावीर है महावीर परम महावीर है ये ग्लेंट्री अवार्ड का क्लिक से दूसरा जो है पीस के लिए होता है अशोका के पास शौर्य कीर्ति है क्या है शौर्य कीर्ति ये है ग्लेंट्री अवार्ड ग्लेंट्री अवार्ड वॉर के लिए एक होता है पीस के लिए होता है वॉर के लिए परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र एंड पीस के लिए अशोका चक्र शौर्य एंड कीर्ति ट्रिक्स क्या याद करेंगे बोल परम महावीर परम महावीर है और अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है डन अब आगे देखो यस मैम ऐसे बोल रहे हैं तो पता नहीं कितना पढ़ लिया तू भैया अभी शुगर वाला शोरर की थी और उससे पहले हूं यस बेटा आगरा आगरा मैं अब ना चिकन में लोड ऐसा मारूंगी ना फिर देखना फिर आप चौका के बाद जाके पूछेंगे कितने पहले देखिए आगरा हो पंडित आगरा सिटी सुल्तान सिकंदर लोधी मैं भी लोड़ी ले लेती करूं हां जी जयपुर सिटी जयपुर अमृतसर सिटी नालंदा कुमार गुप्ता किसने बनाई कुमार गुप्ता टू हाँ मैं आ गई। अच्छा तक्षशिला किसने बनाई भरत तक्षशिला भरत पहला भारत रत्न इंदिरा गांधी चटिया मैप इसका ऑटोबायोग्राफी अडॉल्फ हिटलर मेकॉम क्या नाम है मेकॉम आपको पता है जर्मनी में स्वास्तिक का साइन बैन है स्वास्तिक क्योंकि हिटलर का ये चिन्ह था सिंबल था हिटलर की नाजी मैं क्या सिंबल था उसका स्वास्तिक उल्टा स्वास्तिक बनाता था जो हुआ था तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में किसको मिला वहीदा मेहमान को वेरी इंपॉर्टेंट भाई ये क्वेश्चन मैं रिवीजन तो करवा रही हूँ भाई ये क्वेश्चन आएंगे ध्यान से करे सारी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आने के चांसेस हैं इन्होंने बुक लिख दी सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट किसने लिखी है और इनको बुकर प्राइज इंटरनेशनल मिला है ठीक है और फिक्शन के लिए गेस्पो डी नोवा जॉर्ज गेस्पो डी नोवा टाइम शेल्टर के लिए किसके लिए टाइम ये बुल्गेरियन है कौन है बुल्गेरियन राइटर ने पहली बार किसी बुल्गेरियन राइटर को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है उनकी फिक्शन बुक पे पहला एयरक्राफ्ट विक्रांत पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फर्स्ट मैन मैसेंजर पहला इंडिजिनस कार्पेंटर
पक्षी लिखो कलवारी क्रंच वन पसंद क्या है कंधारी ड्रोन भरना इंडियन फर्स्ट मैन पैसेंजर ड्रोन है भाई अच्छा। ये ड्रोन है इधर लाना था ड्रोन ठीक है यहाँ वरुणा ठीक लिखो स्कॉर्पियो सबमरीन भारत के पास कितनी है सिक्स कितनी है कौन कौन सी INS करारी क्रांच कंधारी और INS वेला वाक्षी वायु वायु बागी और वाक्षी कौन सी है वाक्षी कौन स्कॉर्पियो सबमरीन भारत के पास कौन कौन सी है कलवारी क्रांच कंधारी बेला वागीर वाक्षी डन यस चलिए लास्ट एक और शीट करते हैं फिर छुट्टी ओके चल उठ हाँ मिटा चल ग्रेविटी डन क्या होता है ग्रेविटी से जिसकी हाइट ऊंची होती है ग्रेविटी से नहीं सर मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा पढ़ाया नहीं ये भी चल तो वीडियो में आ जाएगा ग्रेविटी डैम क्या हो ग्रेविटी क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये डैम ये डैम कहाँ क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है पानी को ठीक है हाईएस्ट डैम ऑन विच रिवर बागी दैट इज टेरी ऑन विच डैम टेरी लार्जेस्ट डैम ऑन विच रिवर वो ग्रेविटी डैम है भाखड़ा नंगल लार्जेस्ट डैम कौन सी है हाँ निको हीराकुंड डैम कंक्रीट डैम सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम सरदार पटेल डैम नर्मदा नागार्जुन सागर डैम लार्जेस्ट मेसनरी डैम ये जो होती है वुड से बनी कल्याण कलानी डैम बिल्डम विच रिवर कलानी रिवर ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कलानी ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कलानी डैम किसने बनाई थी केरी काल चोला किसने बनाई थी केरी काल चोला ठीक है कलानी डैम जो है ये गलत लिखा मैंने ये नहीं है कलानी डैम स्वर्णमुखी रिवर नहीं है भाई कलानी डैम जो है ये तो उसपे बनी हुई है कलानी डैम बिल्डन विच रिवर हाँ कावेरी रिवर है गलत है भाई कावेरी में बनी है ना ठीक करो ये कुछ और मैंने लिखा होगा ठीक है कलानी डैम ठीक है कावेरी नदी का आज की पहली डैम इडुकी डैम लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड चाइना हॉस खास टैंक किसने बनाया अपर लेक बोतल लेक फर्स्ट लेक इन इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक फर्स्ट डैम कलानी डैम यह मध्य प्रदेश भोपाल में भोपाल इज कॉल्ड सिटी ऑफ प्रोविजन लेक्स सिटी ऑफ लेक्स एमपी हो ठीक है थैंक यू जय हिंद नमस्ते गुड बाय भारत